हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मसालों का जादू। आज मैं बनाऊंगी लौकी मुठिया। लौकी की मुठिया बहुत ही हेल्दी होती है। लौकी मुठिया बनाने के लिए हम लेंगे लौकी। यहाँ मैंने लगभग 1.5 कटोरी कद्दूकस की हुई लौकी ली है। मैंने इसको अच्छे से धोकर छीलकर कद्दूकस किया है। अब हम इसमें लगभग 3 कटोरी इतना आटा डालेंगे। अगर आपके पास मोटा आटा है तो आप इसमें मोटा आटा यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा मोटा आटा और थोड़ा बारीक वाला आटा मिक्स कर रही हूँ। मोटे वाले आटे से लौकी की मुठिया बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार। इन सब मसालों को मिक्स करते हुए हम आटा लगा लेंगे। अगर हमें और पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे, और अगर आटा हमारा ढीला रहता है तो हम इसमें थोड़ा सा और आटा डालकर इसको टाइट कर लेंगे। वैसे लौकी में बहुत पानी होता है तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी। लौकी मुठिया का आटा जो हम लगाते हैं वो थोड़ा ढीला ही रहता है। हमारा आटा लगभग लग गया है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी ढीला है। हमें ऐसा ही इसको रखना है। अब हम एक बर्तन में थोड़ा पानी रखेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। जब तक पानी में उबाल आता है हम लौकी के रोल बना लेते हैं। आटा लगाया था उसमें से हम थोड़ा थोड़ा भाग लेके उसको दोनों हाथों में रोल कर लेंगे। आप दोनों हाथों में थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं अगर आपके हाथों में यह चिपकता है तो। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से रोल बनाया है। इस तरह से हम सारे रोल बना लेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसके ऊपर ऑयल लगी हुई छलनी रखेंगे और उसके ऊपर ये सारे रोल रख कर ढक देंगे, और ढक कर हम इसे कम से कम 15 मिनट के लिए पकाएंगे। लगभग 10 मिनट बाद हम प्लेट को हटाकर रोल्स को चेक करेंगे कि यह हमारे पके के नहीं। इसमें हम चाकू डालकर देखेंगे, अगर यह चाकू पर चिपकते हैं तो इसका मतलब हमारे रोल्स नहीं पके हैं। अभी यह चाकू पर हल्का सा चिपक रहा है तो हम इसे 3-4 मिनट के लिए और भाप में पकने देंगे, और उसके बाद हम इन्हें निकाल कर चाकू से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मुठिया में तड़का लगाने के लिए हम लेंगे 8-10 करी पत्ता, जिसे मैंने हाथों से तोड़ लिया है, 2 चम्मच वाइट तिल, 1 चम्मच राई, 3 छोटी हरी मिर्च जिसको बारीक काट लिया है, और 2 चुटकी हींग। तड़के के लिए हम 1 कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें राई डालेंगे। राई के हल्का सा तड़कने के बाद हम इसमें तिल, हरी मिर्च, करी पत्ता और हींग डालेंगे और इसको थोड़ा सा भुनेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च हटा सकते हैं। इसके बाद हम इसमें लौकी के मुठिया डाल देंगे और इसको हम 2 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे 1 सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। यह हमारे गर्मा गर्म लौकी मुठिया बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म ही खाइए, यह बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन्हें आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर नारियल की चटनी या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से सब्सक्राइबर है तो मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।